सारा कांच, ये सारे शीशे कैसे टूट गए? वहां पर भी इतना कांच, ये हो क्या रहा है मेरे घर में? और बच्चे, बच्चे कहाँ होंगे? बच्चों को तो मैंने देखा ही नहीं। बच्चे, आदि, परी, परी, आदि, परी, वो दादी नहीं है, बल्कि दादी के लुक में दान दादी है, सो वी कांट ट्रस्ट हर। चलो क्या हो गया आदि? आदि, परी, हाय। से भाग क्यों रहे? ओह माय गॉड, उधर भी दादी मम्मा, इधर भी दादी मम्मा। इन दोनों में से हमारी असली दादी मम्मा कौन है? मुझे तो लगता है ये ब्लैक क्लॉथ वाली दादी डैन है, इनके पास डैन छुट्टी है। लेकिन अगर ये दूसरी वाली भी नकली हुई तो? गॉड नो, क्या करें? ऐसे क्यों भाग रहे हो? कहाँ? हाथ पकड़ो मेरा। 1, 2, 3 अरे कहाँ चले गए बच्चे? अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? आदि, तुम्हें छुपने के लिए यही जगह मिली थी? वो देखो, पाताल की इतगी। इस वक्त पूरे घर में सेफ रूम यही है। मांगू, सब और कितनी लुका छुपी, अब आ जाओ ना। वेगश्री, दादी, ये दादी मम्मा नहीं है, ये डायन है। मैं वेगश्री नहीं हूँ, कलाश्री हूँ, वेगश्री की जुड़वा बहन। वैसे कमाल है ना, एक ही माँ के पेट से पैदा हुए और हम ऐसे मिल रहे इतने सालों बाद। सोचा नहीं था कि तुमसे मुलाकात ऐसे होगी। ये पाताल खेती का जाल होगा हमारे बीच, वरना मैं तुम्हें गले जरूर लगाती। तुम सोच रही होगी ना कि वेदश्री की जुड़वा बहन कहाँ से आ गई अचानक? मैं तो हमेशा से ही थी, बस तुम्हें और वेदश्री को मेरे बारे में पता नहीं था, माँ ने कभी बताया नहीं ना। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम छुटकी की जुड़वा बहन थी और प्रथमायन ने कभी बताया नहीं? बता देती, क्या कर लेती तुम? मुझे या वेदश्री किसी एक को मार देती, है ना? क्योंकि प्रथमायन की पहली संतान एकायन को अगर कोई हरा सकता है तो वो है प्रथमायन की जुड़वा संतान, यानी मैं और वेदश्री। जाहिर है तुम हम में से किसी एक को अपने रास्ते से हटाने की कोशिश जरूर करती, राइट? यहां क्यों आई हो और क्या चाहती हो? अब इसे भी समझाना पड़ेगा। तुमने डायन जोड़ के बारे में तो सुना होगा, है ना? वही जोड़ जिससे दो जुड़वा एक हो जाते हैं। बस यूं समझ लो, मेरे और वेदश्री के एक होने का वक्त आ गया है। आज रात जैसे ही चांद निकलेगा, मैं और वेदश्री एक हो जाएंगे और बन जाएंगे महाडायन, जो एकायन को भी हरा सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। छुटकी अच्छाई का रास्ता त्याग के बुराई के रास्ते पे कभी नहीं चलेगी। जब मैं और प्रथमायन उसे मजबूर नहीं कर पाए तो तुम क्या चीज हो? मुझे पता है कि संस्कारी देवी अच्छाई और बुराई के रास्ते में सिर्फ अच्छाई को चुनेगी,
मगर उसके सामने अगर एक ही रास्ता हो तो वो रास्ता जो उसे बुराई की तरफ लेकर जाता हो। मतलब मैं वेदश्री को इतना मजबूर करूंगी कि उसके सामने मेरी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। एंड यू, तुम दोनों यहाँ पाताल के इतकी के जाल के पीछे ही रहोगे क्या? वैसे तुम्हें पता है आज रात सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा के लिए टाइम शीशे में कैद होकर रह जाएगा और तुम दोनों अपनी इस सीनियर सिटीजन टाइम दादी के साथ यहाँ सड़ते रह जाना। तारा लो, चेतन वृक्ष की जड़ें मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अंश, याद है उसने कहा था यहाँ सिर्फ उसके रूल्स चलेंगे, यहाँ हमारी शक्तियाँ नहीं काम करेंगी। अंशी, तुम क्या कर रहे हो? भले हमारी शक्ति काम करे या ना करे, लेकिन भगवान की शक्ति जरूर काम करेगी। आदि परी, क्या हो गया? मुझे अपनी परछाई देखकर डर रही हूं। मैं तुम्हारी परछाई नहीं हूं वेदश्री, मैं तुम्हारी जुड़वा बहन हूं कलाश्री। मेरी जुड़वा बहन? नहीं नहीं नहीं, नहीं क्यों गया मुझे? नहीं, ये बकवास है। तू मेरी जुड़वा बहन? मेरी जुड़वा बहन कहाँ से? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। तुम जरूर ये मोना की कोई चाल है। तुम एक भ्रम हो, तुम एक परछाई हो। तुम झूठ बोल रही हो, तुम मेरी बहन नहीं हो। मैं ना ही मोना की चाल हूँ, ना कोई परछाई और ना ही तुम्हारा कोई भ्रम। यकीन नहीं आता तो लो, छू लो मुझे, छू कर देख लो। तुम मुझे नहीं जानती, मगर मुझे तो हमेशा से तुम्हारे बारे में पता था। बल्कि मैं तो यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आई हूँ। वो हम दोनों को एक बनना है ना, डायन जोर से, महा डायन बनने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम जो भी हो, तुम यहाँ से चली जाओ। तुम चली जाओ यहाँ से। ये मेरा घर है, मेरा परिवार है। तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। तुम जाओ यहाँ से। सिर्फ तुम्हारा परिवार नहीं वेदू, हम दोनों का परिवार, हमारा परिवार। देखना चाहोगी? वो देखो, नहीं चेताली, नहीं अविनाश, चेताली टाइम। देखा तुमने, है ना कितना दिलचस्प। हमारा परिवार? नहीं, नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता चेताली। अंश, सुखदीप भैया, बच्चे कहाँ हैं? मुझे बच्चों को देखना होगा। कुछ बच्चे दे दू। अंश,
प्रिया रुक जाइए। आज हम ज्यादा देर तक इन जड़ों को रोक नहीं पाएंगे। एक तरफ से हटाते हैं तो दूसरी तरफ से आ जाती है। गंगा जल खत्म हो जाएगा तब क्या करेंगे? एक काम करते हैं, सब पास पास आ जाइए ताकि हम डायन वृक्ष जड़ों पर नजर रख सके, हर तरफ से नजर रख सके। गुड आइडिया इन बैड सिचुएशन। चलो चलो चलो, हम बीच में है ना, इसलिए ये जड़ें चारों तरफ से हमारी तरफ आ रही है। अंश बेटा, इतने से गंगा जल से हम चारों तरफ से आती हुई जड़ों को नहीं रोक पाएंगे। अंश कुछ सोचो,